राज जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने शरीर त्याग दिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ चंद्रगिरी पर्वत पर मुनि महाराज पंच तत्वों में आज विलीन हुए। उनके अंतिम दर्शन के लिए दूर दूर से जैन समाज के लोग पहुंचे थे। देखिए तस्वीरें। जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज ने शनिवार देर रात अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य पद का त्याग करने के साथ 3 दिन का उपवास और मौन धारण कर लिया था। उनके शरीर त्यागने की खबर के बाद जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। पूजन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और वो पंचतत्व में विलीन हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में अधिवेशन के दौरान अपने संबोधन में पीएम ने विद्यासागर जी महाराज का जिक्र किया और इस दौरान वे भावुक नजर आए। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके समलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि लेने पर शोक जाहिर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ सहित देश दुनिया को अपने ओजस्वी ज्ञान से पल्लवित करने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देश और समाज के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य, उनके त्याग और तपस्या के लिए युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। आध्यात्मिक चेतना के पुंज आचार्य विद्यासागर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। वहीं जैन मुनि के निधन पर छत्तीसगढ़ में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में सरकार के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनकी समाधि कार्यक्रम में एमपी सरकार की तरफ से उनकी डोल यात्रा में कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप भी शामिल हुए। उन्होंने एमपी सरकार की तरफ से आचार्य विद्यासागर महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आपकी टीवी शर्मा को दिखा रहे हैं। मंत्री चैतन्य कश्यप जो की श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे, और इसी बीच वक्त एक छोटा सा ब्रेक का फौरन लौटते हैं।